मऊगन से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने खुद को रेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर लिया है। 14 घंटे से दरवाजा नहीं खुला है, उनका मोबाइल बंद है और अंदर कोई हलचल भी नहीं है। विधायक की पत्नी को मौके पर बुलाया गया है, पुलिस दरवाजा तोड़ने की तैयारी में है। दरअसल विधायक प्रदीप पटेल को सोमवार को हिरासत में लेकर रीवा के सामुदायिक भवन में अस्थाई जेल में रखा था। वहां से गुरुवार को रिहा होने के बाद वे दोबारा महादेवन मंदिर के पास अतिक्रमण तोड़ने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें फिर हिरासत में लेकर नई गढ़ी रेस्ट हाउस में एक अलग कमरे में रखा था। विधायक प्रदीप पटेल को गुरुवार रात 9:30 बजे गिरफ्तार कर नई गढ़ी रेस्ट हाउस ले जाया गया था। यहां करीब 10:15 बजे से रात 11 बजे तक एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद पटेल ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। विधायक पटेल के खुद को कमरे में कैद करने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, एसपी रसना ठाकुर भी पहुंची। उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। विधायक के करीबी रहे संतोष तिवारी को बुलाया गया। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि हमने विधायक पटेल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हमने उनकी पत्नी को बुलाया है, जैसे ही वह आएंगी तो उनकी बात कराई जाएगी, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। दरअसल देवरा गांव के महादेवन मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पूरा विवाद 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन को लेकर है। यहां मुस्लिम समुदाय और दलित परिवारों के करीब 70 से 75 घर हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि यहां उनके पुश्तैनी मकान हैं। उनकी ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है। विधायक प्रदीप पटेल सोमवार को जेसीबी लेकर महादेवन मंदिर के पास मौजूद 2 एकड़ की विवादित जमीन पर पहुंच गए थे। दोनों तरफ से पथराव हुआ था, जिसके बाद विधायक और उनके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया था। विधायक को हिरासत में लेने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रीवा के पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में रखा गया था।